वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे यूएई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बारे में कि लास्ट डेट क्या है, कौन से लोगों को करवानी है, कौन से लोगों को नहीं करवानी और कौन से लोग इसका क्लेम कर सकते हैं या कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बात को ऐड करना बहुत जरूरी है कि देखें जो कंट्रीज के लॉ होते हैं पर्टिकुलर स्कीम्स को लेके वो चेंज होते रहते हैं। तो आज का जो लॉ है देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो लास्ट डेट है वो 30 जून को लास्ट डेट है, आपने इंश्योरेंस को करवाना जरूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर अराउंड 400 दिरहम आपके ऊपर फाइन आ सकता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कौन से लोगों को करवानी है। देखिए जितने भी लोग हैं सबको करवानी है, जस्ट बिजनेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो रिटायरी हैं, जो रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं उनको ये इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। तो इसकी कॉस्ट कितनी है इंश्योरेंस की, तो कॉस्ट है इसकी एक साल के लिए 63 दिरहम। अगर आपकी सैलरी 16,000 दिरहम से नीचे है, अगर आपकी सैलरी इससे ऊपर है तो फिर आपका जो कॉस्ट बनेगा वो इंश्योरेंस का वो ऑलमोस्ट 120 दिरहम या 105 दिरहम इतना कुछ बनेगा आपका। तो आपने करवानी कैसे है, करवानी आपने, मैं यूट्यूब की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करने वाला हूँ, आप वहाँ से भी जाके करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास बैंक का कार्ड है तो। अब इसको क्लेम कैसे करना है आपने, देखिए मान लें कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, आप टर्मिनेट हो गए, तो विद इन 1 मंथ आपने इसको क्लेम करना है। जब आप इसको क्लेम करेंगे तो उसके विद इन 2 वीक्स इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट करेगी जो भी एज पर जो लॉ है उसके मुताबिक। देखिए जो लॉ है, अगर आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट, आपकी फुल सैलरी नहीं, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज 50-60% 70% आपको मिलेगा। अगर आपकी सैलरी बेसिक 10,000 है तो मान लें कि आपको 6,000-7,000 इतना आपको मिलना चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने लेबर लॉ को थोड़ा कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया गया या फिर आप किसी फ्रॉड में पकड़े गए तो फिर आप इस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन दो कि अगर आपने इंश्योरेंस ली भी हो तो, अगर अभी तक आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो यूट्यूब किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ, आप वहाँ पे जाके इंश्योरेंस करवा सकते हैं और अपने आप को फाइन से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।